हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं हिमांशु। कई जैसा कि आज आपने न्यूज़ देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर से चाइना के ऊपर डिजिटल अटैक कर दिया। डिजिटल अटैक का मतलब है यानी यहाँ पे गाइस कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर से चाइना के 47 ऐप्स को बंद कर दिया है, पूरे तरीके से बैन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इन ऐप्स को बंद करने के पीछे क्या रीज़न है, क्यों इन ऐप्स को बंद किया गया है, इनके अलावा कौन कौन से इन 47 ऐप्स के अलावा और कौन कौन से ऐप्स हैं जो बंद किए जा सकते हैं, और इन 47 ऐप्स में कौन कौन से ऐप्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं या जो ऐप अभी चल रहे हैं और हाल फिलहाल में बंद कर दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ आज मैं की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा गाइज, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइज, जैसा कि आज आपने न्यूज़ सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के 47 चाइनीज ऐप्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो इसके पीछे सिंपल गाइज वही पुराना रीज़न है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन पब्लिक की डाटा प्राइवेसी को देखते हुए इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के डिफेंस के लिए और इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो 47 चाइनीज ऐप्स हैं इनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए इंडिया में। तो गाइज इसके पीछे रीज़न एक ही है जो पुराना रीज़न था गाइज, इंडिया की सॉवरेनिटी और डिफेंस इंडिया में सिक्योर बनाने के लिए, इंडिया की डाटा को प्राइवेसी देने के प्रदान करने के लिए के मकसद से इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया में जो भी चाइना की 47 चाइनीज ऐप्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। इसके अलावा गाइज, ये जो 47 चाइनीज ऐप्स बंद किए गए, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने 275 से ज़्यादा चाइनीज ऐप्स की लिस्ट बनाई हुई है और उन 275 चाइनीज़ ऐप्स को अपने रडार में रखा है, रडार मतलब अपनी निगरानी में रखा है और उनको पूरे तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है उन 275 ऐप्स को, यानी कि उन 275 ऐप्स की एक एक गतिविधि पे नज़र रखी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इन 275 ऐप्स में जो काफ़ी पॉपुलर ऐप्स भी हैं, जैसे कि आपका पबजी गेम है जो कि वर्ल्ड पॉपुलर गेम है, सभी लोग इस गेम को खेलते हैं और सभी इस गेम से भली भांति परिचित भी हैं इस ऐप से, तो पबजी भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा एक चाइनीज ऐप है रेसो करके, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो 275 चाइनीज ऐप्स जो हैं उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी नज़र बना रखी है और उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि उसमें भी अगर उनको इंडियन गवर्नमेंट को कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि हाँ इससे भी इंडिया की पब्लिक की इंडिया को खतरा है या इंडिया की डाटा चोरी की जा सकती है तो इसको भी बैन किया जा सकता है। तो भाई इसलिए आज की न्यूज़ में ये आपने सुना है कि चाइना ने जो 47 चाइनीज ऐप बंद कर दिए, इसके अलावा 275 से ज़्यादा उन चाइनीज ऐप्स की लिस्ट बनाई है जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पैनी नज़र रखी हुई है, जहाँ पे उनको डाउट लगता है कि हाँ इस ऐप से इंडिया को खतरा है तो वो उनको पूरी तरीके से बैन कर देंगे। तो भाई इससे पहले लास्ट मंथ यानी कि गई 29 जून को, यानी कि आज से 4 हफ्ते पहले इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहला डिजिटल अटैक किया था चाइना के ऊपर, इंडिया की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, और उन्होंने 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में पूरे तरीके से बैन कर दिया था। और इस 59 चाइनीज ऐप में काफ़ी सारे पॉपुलर चाइनीज ऐप्स थे जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था इंडिया में, और काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स थे जो इनकम सोर्स भी था इंडियंस का, जैसे गाइस सबसे पॉपुलर की अगर मैं बात करूँ टिकटॉक, उसके अलावा गाइस वी चैट, हेलो, इसके अलावा शेयर इट, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, ये सब ऐप्स 59 चाइनीज ऐप्स में इंक्लूड थे जो जून में ही 29 जून को बंद कर दिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बट गाइस अब फिर से इंडियन गवर्नमेंट को अभी भी लग रहा है कि नहीं यार कुछ ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जो जिससे अभी भी इंडिया को खतरा है तो वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनको बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइस उन 59 चाइनीज ऐप्स को बंद करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते ही ये एक रिपोर्ट जारी की थी कि वो ऐसे 47 वेरिएंट ऐप को, यानी कि ये जो 47 ऐप्स बंद किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इन ऐप्स को ये बताया जा रहा है कि ये जो ऐप्स है ये वो जो पहले 59 चाइनीज ऐप्स बंद किए गए थे उनके ही क्लोन्स ऐप्स थे। क्लोन्स ऐप्स मतलब उनका ही नाम बदल के और उन्हीं की तरह ये ऐप 47 ऐप्स काम कर रहे थे, तो इनको भी बंद करने का डिसीजन लिया गया है। और इन ऐप्स में जैसे गाइस हेलो लाइट जो कि पहले हेलो ऐप था वो बंद हो चुका है 59 में, अब हेलो लाइट करके एक ऐप आया था जो कि उसका क्लोन ऐप था वो बंद किया जा चुका है, वीगो लाइट, कैम स्कैनर, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे ऐप थे जो 59 चाइनीज ऐप्स के क्या थे गाइस, क्लोन वर्जन्स थे। क्लोन वर्जन्स मतलब उन्हीं ऐप की तरह ही काम करते थे, अब इनको भी बंद कर दिया गया
है। हालांकि गाइस इसकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट जारी की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बस इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। बस हाल जल्दी ही इनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसके अलावा गाइस मंडे को ये रिपोर्ट आई है कि 275 चाइनीज ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही है और इंडिया की सिक्योरिटी को नज़र रखते हुए वो देख रहे कहीं कि वो इंडिया की सिक्योरिटी को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे। वो 275 में कोई भी एक्ट अगर उनको ऐसा लगता है कि वो इंडियन सिक्योरिटी को या इंडिया की सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है तो वो उन चाइनीज़ ऐप्स को क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो उनको पूरी तरीके से हमारी कंट्री में बंद कर देंगे। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं ये जो 47 चाइनीज ऐप्स बंद किए जा रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो सबसे पॉपुलर जो ऐप है वो है गाइस पबजी, जो कि चाइना की मोस्ट वैल्यूएबल इंटरनेट कंपनी जो है वो चला दी है, जिसका नाम है टेंसेंट। आपने नाम सुना होगा कि पबजी की, जो पबजी कंपनी का जो ऑनर है वो टेंसेंट कंपनी है और वही पबजी कंपनी को चलाती है, पबजी गेम को ऑपरेट करती है। इसके अलावा जिली एक ऐप है गाइस जो कि Xiaomi मोबाइल कंपनी के ऑनर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा गाइस अली एक्सप्रेस जो कि अली बाबा के द्वारा चलाया जाता है, जो कि एक ई कॉमर्स जायंट है। इसके अलावा गाइस एक रेसो और यूलाइक ऐप है जो कि बाइट डांस कंपनी के द्वारा चलाई जाती है, और ये जो बाइट डांस कंपनी है गाइस ये टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। तो गाइस ये जो पॉपुलर गेम्स हैं, पॉपुलर ऐप्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, जैसे कि पबजी एक पॉपुलर गेमिंग ऐप्स है। इसके अलावा गाइस जिली जो है शॉर्ट वीडियो फनी गेम शेयरिंग ऐप्स है। इसके अलावा गाइस अली एक्सप्रेस जो ई कॉमर्स में डील करता है। इसके अलावा गाइस रेसो और यूलाइक टिकटॉक की तरह ही काम करता है, टिकटॉक से जैसा सिमिलर ऐप है, इनको भी बंद किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट इन सभी को बैन कर सकती है, इन जो भी ऐप्स के मैंने नाम लिए, चाहे पबजी हो, चाहे आपका जिली हो, चाहे आपका अली एक्सप्रेस हो, चाहे रेसो हो, चाहे यूलाइक हो, इन सभी को बंद किया जा सकता है। और हो सकता है कि इनको बंद ना भी किया जाए, गाइस अभी इनके ऊपर एग्जामिन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि अगर उनको लगता है कि इन ऐप से इंडिया को कोई भी खतरा है तो उनको पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है। अगर इनको लगता है कि नहीं, इन्हें आपसे कोई खतरा नहीं है, उनको बैन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गाइस ऑफिशियल सोर्सेज, यानी कि जो ऑफिशियल सोर्सेज है इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि गाइस चाइनीज ऐप्स, उनके इंडियन गवर्नमेंट उन सभी चाइनीज ऐप्स के ऊपर नज़र रखी हुई है जो कि जिसको चाइना से फंड दिया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा ऐप जहाँ से फंड जिसको चाइनीज लोगों के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने नज़र रखा हुआ है, और जहाँ पे भी उनको लगता है कि उससे वो इंडिया की सिक्योरिटी उन ऐप से कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है या इंडिया की सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं उससे खतरे में आ रही है, तो उनको बिल्कुल रेड फ्लैग कर देंगे। रेड फ्लैग मतलब पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने जो ये डिसीजन लिया है, एक तो ये डिसीजन लिया है कि क्योंकि वो हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं उसे खतरा मिल रहा है, या फिर इंडिया की जो डाटा है उसकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं खतरा महसूस किया जा रहा है, इसलिए वो इन ऐप्स को बंद करने के लिए सोच रहे हैं। और गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट भी बनाई है जिन ऐप्स को बंद किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 275 ऐप्स के लिए लिस्ट बनाई है जिनको बंद करने के बारे में वो सोच रही है, जिनको एग्जामिन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, ताकि उसमें से कहीं पर भी इंडियन गवर्नमेंट को डाउट लगता है तो उसको पूरी तरीके से बंद कर देगी। इसके अलावा गाइस जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो 59 चाइनीज ऐप्स जून में बंद किए गए थे, उनके वेरियंट्स ऐप्स हैं, यानी कि जो उनके क्लोन ऐप्स हैं, वो 47 ऐप्स में जो भी क्लोन है उनको तो डेफिनेटली बंद किया जाएगा। इसके अलावा भी जो 275 प्लस मैंने आपको ऐप्स बताए जिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने नज़र बनाई है, उनको भी बंद किया जा सकता है अगर उनको लगता है कि इन ऐप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कहीं से भी इंडिया की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरा है। और उन्होंने सभी कंपनीज़ को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है कि वो इन ऐप्स को पूरी तरीके से अपने कंपनी से बंद कर दें और इंडिया में इनको इंटरनेट पे लाइव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ गाइस कौन कौन से मेजर चाइनीज ऐप्स हैं इंडिया में, जैसे कि बाइट डांस, Xiaomi, अलीबाबा, टेंसेंट, मीटू, LBE Tech, ये सब क्या है गाइस, ये काफ़ी पॉपुलर चाइनीज़ कंपनी है जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने अपने एप्लीकेशंस को इंडिया में लॉन्च किया हुआ है और इससे वो अपने काफ़ी अर्निंग्स को कमा पा रहे हैं। इसके अलावा गाइस उन सभी कंपनीज़ के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट की नज़र है, जो कि गाइस जैसे कि जो कि चाइना में चाइना की चाइनीज़ चाइना की ऐप्स चाइना की कंपनी और इंडिया में कहीं ना कहीं किसी
इंडियन कंपनी के साथ भी मिलकर अगर उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें अपना फंड इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने नज़र बनाई हुई है। अगर मैं पॉपुलर ऐप्स की बात करूँ जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है इस टाइम पे, तो वो गाइस पबजी हो गया, कजिली हो गया, ऑल एक्सप्रेस, रेसो और लूडो वर्ल्ड, ये ऐसे ऐप्स हैं जिनके ऊपर अभी खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, जिन जो कि बंद किए जा सकते हैं। है अगर मैं बात करूँगा इस चाइनीज इंटरनेट की यानी कि चाइनाज के एप्लीकेशन की, तो 300 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इंडिया में चाइना के हैं, जिसमें 300 मिलियन, आप सोच सकते हैं 300 मिलियन काफ़ी यूज क्वान्टिटी हो जाती है। अगर आप देखा जाए तो 300 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स चाइनीज ऐप्स के इंडिया में हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं 300 मिलियन में अगर मैं सिर्फ कुछ ऐप्स की ही बात करूँ, जैसे कि अगर मैं जिली ऐप्स की बात करूँ, तो जिली जो ऐप है गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप्स है जिसमें चाइना के दो कंपनी एक साथ मर्ज हुई है, जैसे कि स्नैक वीडियो और जिली कंपनी जो है एक साथ मर्ज हुई है और उन्होंने टिकटॉक को रिप्लेस कर दिया है। तब भी गाइस अगर मैं बात करूँ जिली और स्नैक वीडियो जब ये मर्ज हुई, तो गूगल में अगर मैं गूगल प्ले की बात करूँ तो टॉप 10 में ये वर्क कर रही है, यानी कि टॉप 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है जिली एप्लीकेशन जो है, ये वीडियो शेयरिंग ऐप्स है, टॉप 10 में से एक एप्लीकेशन जो कि डाउनलोड किया जा रहा है। यही अगर मैं टिकटॉक की बात करूं जो कि जून में बंद किया जा चुका है 29 जून को, तो भाई इसके 200 मिलियन से इंडिया में सिर्फ बात करूँ तो 200 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र है, 200 मिलियन गाइस। और अगर मैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ तो 660 मिलियन से ज़्यादा लोग टिकटॉक को यूज़ करते थे, और उसमें से जबकि उसको लॉन्च हुए सिर्फ 2 साल हुए, फिर भी उसको 660 मिलियन यूज़र्स थे गाइस, और उसमें सिर्फ इंडिया ही अकेला 200 मिलियन यूज़र्स था, यानी कि पूरे ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने टिकटॉक के यूज़र्स थे उसका 30% सिर्फ इंडिया में ही यूज़र्स थे। इसके अलावा गाइस अगर मैं पबजी की बात करूँ, तो पबजी जो है एक बहुत ही पॉपुलर गेमिंग ऐप है वर्ल्ड में, मोस्टली सभी लोग इन गेम्स को खेलते हैं और सभी इन गेम्स से आइडेंटिफाइड भी हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस तो इंडिया जो है इस पबजी गेम का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है इसका। अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जब से पबजी बना है तब से 175 मिलियन लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, और 175 मिलियन में से 24% लोग इंडिया से ही हैं इसको अब डाउनलोड करने वाले और इसको खेलने वाले। तो गाइस अगर मैं कंक्लूड तरीके से सारी चीज़ें बात करूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 47 चाइनीज ऐप्स को पूरी तरीके से बैन करने का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि ये जो 47 चाइनीज ऐप्स है वो जो 59 चाइनीज ऐप बंद किए गए थे जो में उनके क्लोन वर्जन है, उनको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने 275 यानी कि 275 प्लस चाइनीज ऐप्स पर अपनी नज़र बनाई हुई है, और जहाँ पे भी अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इनसे इंडिया की सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी कोई ना कहीं कोई खतरा है, तो इसको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। तो अभी तक के लिए फिलहाल ये न्यूज़ आई हुई है गाइज, इसके अलावा जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इन चीज़ों से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।